हाँ बच्चों, कैसे हो सब? तो आज गुरनीति का एपिसोड है 67 और मेरे साथ हैं आज मोहम्मद इरशाद, सीनियर फैकल्टी इन जूलॉजी, वर्किंग विद सीएलसी सिंस लास्ट मोर देन 3 इयर्स। आज अपन इवोल्यूशन के टॉपिक्स के सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि क्या क्या जो ट्विस्ट हैं क्वेश्चंस में आते हैं और उनको अपन किस तरह से टैकल कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट इन कॉन्ट्रेस्ट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है ना, करेक्ट पूछ रहे क्यों? जी तो अब ये सारे पॉइंट्स हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सही है। प्रोसेस ऑफ ओरिजिन सोलर सिस्टम, ये भी सही है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन इवोल्यूशन लाइफ फॉर्म्स, तीनों सही है जी। मतलब इसके लिए चारों ही, तीनों बातें सही है तो ये आंसर हो जाएगा भाई। सबसे पहले यूनिवर्स बना, फिर उसके अंदर एग्जैक्टली अपनी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें ये सारी चीजें हैं, जितने भी स्टेटमेंट मेंशन है सारे करेक्ट हैं। तो आंसर हो गया 4 जी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए इसमें भी इरशाद सर करेक्ट पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट, ये गलत हो गया। मिलियन दे, हाँ, ये बिलियन होना चाहिए जी, इसलिए गलत हो गया। गलत हो गया, और देख लेते हैं। यूनिवर्स इज फॉर्मड बाय ए गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। अब यूनिवर्स जो, उसमें तो काफी सारी गैलेक्सी है, तो कोई एक गैलेक्सी नहीं है, और देख लेते हैं। कंसीडरिंग ए साइज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के कंपैरिजन में अर्थ के साइज को कंसीडर करें, बिंदी है, ये सही है, ये वाला ठीक है। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम में, ये जो है थ्योरी वो यूनिवर्स के, यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए है, ना कि सोलर सिस्टम के ओरिजिन के लिए। तो ये इसके अंदर अपने को सर करेक्ट पूछना, करेक्ट ढूंढना है। तो पहला गलत हो गया है ना, ये भी गलत है। तो इसके अंदर अपना जो है सी देखना है, तो ओनली सी, ये वाला कि बिजली कड़कने से वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अपने को ये ढूंढना था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ये तो सही है, लाइफ अपीयर्ड अबाउट 500 मिलियन इयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, या आज से 4 बिलियन ईयर पहले, क्यों? हाँ, अब इसमें साथ से अगर यूवी होता तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाता। बिल्कुल जी, सर ठीक। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के लिए पूछ रहा है। हाँ, तो इसके अंदर ये प्रूव किया था ना, बायोजेनेसिस प्रूव, बायोजेनेसिस को प्रूव किया था, तो इसके अंदर ए बाय बिल्कुल सही जाएगा। ए बायोजेनेसिस को तो उन्होंने रिजेक्ट रिजेक्ट किया था जी। व्हिच ऑफ द, जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लुईस पाश्चर जी। लुईस पाश्चर का जो एक्सपेरिमेंट था स्वान नेक फ्लास्क का, उसके रिगार्डिंग व्हिच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला है, ही डेमोंस्ट्रेटेड लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, सही है। ही फाउंड दैट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड अरोज इन क्लीज कंटेनिंग मीडियम इन सम फ्लास्क ओपन टू एयर, सही है, खुले में डेवलप हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, ही सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, नहीं ये गलत है, बायोजेनेसिस रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया था। यूज स्वान एज फ्लास्क इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये सही है, तो गलत जो है वो अपना थर्ड, ये थर्ड आंसर। नेक्स्ट एक वो Who proposed that first form of life could have originated from pre-existing non-living organic molecule? जी, किसने प्रस्तावित किया कि निर्जीव कार्बनिक अणुओं से प्रथम सजीव की उत्पत्ति हुई? तो अब यहाँ पे ट्विस्ट इतना सा ऐसे कि साइंटिस्ट के ब्रैकेट में जो कंट्री का नाम लिख रखा है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ओपेरिन वाज अ साइंटिस्ट फ्रॉम रशिया एंड हाल्डेन वाज फ्रॉम इंग्लैंड, सो आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, मतलब केमोजेनेसिस थ्योरी कह सकते हैं। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो क्यूवियर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो क्यूवियर जो है वो कैटास्ट्रोफिज्म, तो ए का 4 लिख दीजिए आप उधर, ए का 4। एरहिनियस जो है वो पैनस्पर्मिया के रेस्पेक्ट में हो गया, और लुईस पाश्चर जो है वो बायोजेनेसिस यानी सी का फर्स्ट, और डार्विन जो है वो पैनजेनेसिस के रेस्पेक्ट में। एग्जैक्टली, तो 4-2-1-3 4-2-1-3 सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये थ्योरी के रिस्पेक्ट में था। हम्म,
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत ढूंढना है अपने को। इसमें मिलर ऑक्टेंट ग्लूटामिक एसिड, अब ग्लूटामिक एसिड ने डिस्कवर किया था उन्होंने, सिंपल अमीनो एसिड थे जैसे एलेनिन ग्लाइसिन वगैरह, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड, एएसपी, ये इनकरेक्ट ढूंढना जी, ये एक तो इनकरेक्ट यही हो गया। और देख लेते हैं इन अदर सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब है वैसी सिचुएशन क्रिएट करके, एक्सपेरिमेंट्स बाय अदर वर्कर्स ऑब्जर्व्स फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स फैट्स पिगमेंट्स एटसेट्रा, ये सही है। मिलर सर्कुलेटेड हाइड्रोजन अमोनिया एंड मीथेन इन रेशियो ऑफ 2:1:2, सही 2:1:2, ये भी सही है। He maintained a high temperature of 800 degree centigrade, ये भी सही है। तो first is a incorrect answer. जी. Which part of operin theory is accepted on the basis of Miller experiment? कि Miller के experiment के according operin की जो कौन सी theory थी उसको accepted किया गया था? Chemical evolution. Evolution. So answer is 1. Next. Which of the following pair of time and related events is incorrectly matched? जी. Incorrectly matched में 4 billion years ago origin of life, ठीक है? 3 billion years ago approximately first non-cellular form of life, बिल्कुल सही, ठीक है? 2 billion years ago first cellular forms of life, ठीक है? तो बचता ही ये 1.5 million years ago first eukaryote, ये जो है गलत है। चलें? Yes. The book Origin of Life was published by, तो life के origin के respect में अगर देखें तो इसके लिए आपका जो नहीं 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 इसमें एक भी option सही नहीं है। अच्छा इसमें हाँ, क्योंकि operin के respect में पूछ रहा था ना, ये Alexander operin की book है, तो Lamarck, Darwin, Malthus ये इनसे related नहीं है, तो इसके अंदर none of these हो जाएगा। operin होता तो answer चला जाता। Exactly. इन्होंने तो origin of मतलब जो speciation के respect में बात की थी, क्यों? और इन्होंने population के लिए work किया था, और उन्हें जो आपका लेमार्क के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो जो एक्वायर्ड करैक्टर की जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने बात की थी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, सबसे पहले अगर देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम था, वो अर्थ के हाई टेंपरेचर वगैरह से, हां ओजोन भी नहीं था जी, इधर से देखें तो वापस से ऑक्सीजन लिखा, जहां पे ऑक्सीजन लिखा हुआ वो कभी हो ही नहीं सकता, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, तो वाटर वेपर, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया ये थे और ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से है। एग्जैक्टली, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, अगर अपन यहां पे CH2 लिखा हुआ है इसलिए ये भी गलत हो जाता है। हां, तो आंसर इज वाटर वैसे H2 मीथेन एंड अमोनिया, आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर भी जैसे इनिशियली इरशाद सर हाइड्रोजन और हीलियम थे, तो अर्थ के हाई टेम्परेचर की वजह से अर्थ की सरफेस से दूर चले गए, और फिर वोल्केनिक इरप्शन हुआ जिससे ये सब गैसें एनवायरनमेंट में रिलीज हुई, और अभी पीछे भी डिस्कस किया था कि यूवी का इफेक्ट पड़ा तो वाटर की स्प्लिटिंग हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऊपर चला गया और उस ऑक्सीजन ने फिर मीथेन और अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया, हेल्प किया वाटर के अंदर, इसके अलावा ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन ओजोन में भी चेंज हुई। बट एट दैट टाइम ऑक्सीजन एंड ओजोन वर नॉट देयर, हां जी जी, सो The correct answer free oxygen नहीं थी उसमें, नहीं बाद में जब साइनोबैक्टीरिया इवोल्व हुए तब ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन हुआ था और उसी से फिर ओजोन का फॉर्मेशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेंबलेंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जेनेलॉजी व्हेन दे कम टू ए कॉमन हैबिटेट, यानी इसके अंदर डिफरेंट ओरिजिन की बात हुई है सर, अगर एक दूसरी स्पीशीज और अलग अलग, ये इस तरह की सिचुएशन है, एक ही तरह के हैबिटेट में अलग अलग जीनी संरचना वाले जाने समानुवर्ती विकास को क्या कहेंगे, तो ये कॉमन हैबिटेट में अडैप्ट हो रहे हैं, तो ये आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और इनमें जो ऑर्गन हो जाएंगे वो एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस जी, एनालॉगस ऑर्गन आ रहे हैं, एनालॉगस के लिए पूछा है तो सेम फंक्शन बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, फाउंड इन स्पीशीज हैविंग डिफरेंट एंसेस्ट्री, ये भी सही है, और evolved as a result of adaptive convergence. Adaptive convergence का मतलब एक common habitat के अंदर वो adapt होने के लिए अपनी different different structure को same function के लिए काम में लेता है। तो ये सारे बातें सही साबित होती हैं। जी। Answer is 4. The first organism appeared were जी anaerobic autotrophs. Autotrophs का तो जमाना ही नहीं था उस time. ये तो हो ही नहीं सकता। Aerobic heterotrophs तो oxygen तो थी नहीं।
तो ये भी गलत हो गया ऑक्सीजन के एब्सेंस में. एनएरोबिक हीटरोट्रॉफ्स थे वो ऑर्गेनिज्म जी, बिना ऑक्सीजन के अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए कैपेबल थे वो. यानी इसके अगर ऑर्डर की अपन बात करें तो सबसे पहले एनएरोबिक हीटरोट्रॉफ्स आए थे. तो आंसर इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड वर एनएरोबिक हीटरोट्रॉफ्स. और फिर जब इनका नंबर बढ़ा तो न्यूट्रिएंट कम हुए ऑर्गेनिक, तो फिर ये इवॉल्व हुए और इनमें से कुछ ऑटोट्रॉफिक हो गए, कीमोऑटोट्रॉफिक. और फिर उनमें से कुछ फोटोट्रॉफिक हो गए, इसमें सल्फर रिलीजिंग थे इनिशियली, और फिर साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हुए जो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे थे. यहाँ पे जो दिया गया है इरशाद सर, तो इसमें ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी के, और ये होमोलोगस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसमें होमोलोगस ऑर्गन हो जाएंगे और इवोल्यूशन का जो टाइप था वो जो है डाइवर्जेंट. तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ ऑर्गन्स व्हिच डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. जी, निम्नलिखित में से कौन सा अंग का समूह अभिसारी उत्पाद उत्पन्न नहीं हुआ है? तो स्टिंग एपरेटस ऑफ हनीबी एंड स्कॉर्पियन, ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन है. आईज ऑफ लॉलीगो एंड ऑक्टोपस, ये एक से हैं, दोनों मोलस्क हैं लॉलीगो और ऑक्टोपस, इनकी आईज एक सी होती हैं, तो ये होमोलोगस है, ना कि एनालोगस. ठीक है, ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, एक स्टेम है एक रूट का मॉडिफिकेशन, ये एनालोगस हो गया. Wings of insects and birds, ये भी analogous हो गए. तो ये है, इसमें not पूछा है, not पूछा है, not a set of, तो answer is eyes of a lolligo and octopus, because both of them they are mollusks and their eyes are homologous structures. यानी ये homologous और ये तीनों analogous. Analogous, exactly. Next, which of the following experiment suggested that simple living organism could not have originated spontaneously from non-living matter? तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो जैसे पाश्चर था और इसके अलावा स्पेलिंग जानी थे ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसमें अगर देखें तो माइक्रोब्स डिड नॉट अपीयर इन स्टोर्ड मीट की बात नहीं की गई थी वहां पर. लार्वा कुड अपीयर इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को भी उन्होंने नहीं लिया था. माइक्रोब अपीयर फ्रॉम अनस्टेरलाइज भी उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने स्टेरलाइज किया था. जी, फिर चौथा ऑप्शन, मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड कैप्ट सीलिंग वाज. ओके, ये सही, यानी इसके अंदर उन्होंने इसको सील कर दिया तो एयर के कांटेक्ट में नहीं था तो उसमें वो कंटामिनेशन नहीं आया, और दूसरे में जो मीट था वो ओपन था तो वो कंटामिनेट हो गया. तो इससे प्रूव होता है फोर्थ के फोर्थ ऑप्शन. व्हाट वाज द रेशियो ऑफ अमोनिया मीथेन एंड हाइड्रोजन, इसकी ट्रिक है. इसको अपन सिंपली जहां पे ए आ जाता है उसको आप नंबर 1 पे कर दो एंड रिमेनिंग दे आर 2 एंड 2. तो उसमें बच्चों को ये देखना कि पहले किसका पूछा उसके अकॉर्डिंग रेशियो बदल जाएगा. अमोनिया 1 है तो अमोनिया 1 यहां पर है, बाकी 2 यहां पर हो गया, तो ये आंसर इज 3. थोड़ा सा ट्रिक है जी. यहां पे अपने को जो मिसमैच देखना है किस रेस्पेक्ट में, एनिमल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. ओके, ट्राइसेरेटॉप्स 3 हॉर्न का बिल्कुल सही, स्टेगोसोरस जो था वो लॉन्गेस्ट के रेस्पेक्ट में दिया है, देख लेते हैं. फिर भी ब्रैंकियोसोरस जो था जी, ये वाला जो है वो हर्बीसोरस हो गया, हर्बीवोरस. और टायरेनोसोरस जो है वो बिगेस्ट कार्निवोरस डायनासोर विद पियर्सन एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन है. तो यहां पर जो है वो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, ठीक है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट बिग बैंग थ्योरी. जी, ये बिग बैंग थ्योरी के रिगार्डिंग करेक्ट बातें पूछी. यूनिवर्स इज अबाउट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, सही है. इट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, ये भी सही है. तो बातें सारी सही हैं, तो आंसर इज 4. इसमें एनसीईआरटी ने इवेंट्स का एक ऑर्डर दिया है, वो भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले बिग बैंग हुआ, और फिर वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर डाउन आया, और लास्ट में हाइड्रोजन हीलियम बने. तो उसका ऑर्डर भी आप लोग याद रख सकते. Select the statement which best explain the structure which developed as a result of divergent evolution. यानी divergent evolution से related हमें कुछ structure को यहाँ पे identify करना है. Organ having no function but have important function in ancestor. ये तो vestigial वाला vestigial organ हो गया. जी. Organ appeared only in embryo. ये जो है embryological evidence का है. और इसको भी अपनी यहाँ पे नहीं लेगी. Homologous के respect में देखना है. ऑर्गन विद फंक्शनल सिमिलरिटी नहीं, फंक्शनल तो उसमें होगा आपका एनालॉगस. ऑर्गन विद एनाटॉमिकल सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंस, ये परफेक्ट चला जाएगा. आंसर इज 4. जी,
एम्ब्रियो में कोई स्ट्रक्चर अपीयर होती है तो वो एंसेस्टर के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जीन के एक्सप्रेशन से। जैसे बर्ड्स के अंदर बीक में टूथ बर्ड अपीयर हो जाती है, एक्वेटिक मैमल जो हैं उनके एम्ब्रियो के बाहर बॉडी हेयर आ जाते हैं, तो वो एंसेस्टर के फीचर अपीयर होते हैं। थॉर्न्स ऑफ, या तो इसमें अपने को क्या ढूंढना है, सेलेक्ट एन ऑड सेट ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि होमोलोगस और एनालोगस, अपने को उस एंगल से सोचना है इस क्वेश्चन में। तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा, दीज आर होमोलोगस, ऐसे लिख दो आप। क्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये एक पेंगुइन तो है, एक बर्ड, डॉल्फिन है, एक मैमल, ये हो सकता है, ये एनालोगस है जी। और देख लेते हैं, हार्ट ऑफ फ्रॉग्स एंड ह्यूमन हार्ट होमोलोगस, brain of different vertebrates again homologous, so answer is flippers of penguin and dolphin because this is a bird and this is a mammal, that is why this is an analogous organ. Next, which of the following is not be considered hai na true about the homologous organ? Okay, agar in animal having similar ancestry a true hai, develop as a result of adaptive convergence nahi hai, divergence hota hai, structurally similar but functionally different, ये भी सही है, present in generally those species which have evolved due to adaptive radiation, common ancestor से अलग अलग environment में ये evolved होते, तो इसमें it's answer incorrect पूछ रहा था, incorrect पूछ रहा था, तो जो है वो second. Next, wings of insect and birds are, these are analogous structures, जी, homologous structure तो है नहीं, analogous है, result of divergent evolution, नहीं, नहीं ये रिजल्ट है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के, अडैप्टिव कन्वर्जेंस है ये, तो ये बी डी ई, बी डी ई थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, यहां पे अपने को कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना है ऐसा सर, एनालॉगस ऑर्गन की है ना, और उसके बाद में हमें करेक्ट देखने हैं एनालॉगस के लिए। चलो ठीक है, दीस डेवलप ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बिल्कुल सही है, दीस डेवलप ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन गलत है, दीस डेवलप इन एनिमल हैविंग डिफरेंट एंसेस्टर सही है, बिल्कुल सही है, these develop to perform different functioning, similar function, तो ये वाला गलत हो गया, तो answer is A and C, B, C, A and C, A and C, first is the correct answer, बिल्कुल। thyroxine occurs as a development of or in different vertebrates which indicates, thyroxine क्या है, एक molecule है, तो ये show करता है molecular homology, बिल्कुल सही है, analogy तो हो ही नहीं सकती, divergent evolution of vertebrates, absolutely correct, so both फर्स्ट एंड थर्ड दे आर द करेक्ट आंसर, ये एनालॉजी नहीं है, ये होमोलॉजी, यानी सेल लेवल पे भी ऑर्गेनिज्म जो है वो होमोलॉजी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनल जो बायोमोलिक्यूल उनके रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट ओडवन देखना अपने को, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स कन्वर्जेंट, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स, ये होमोलॉगस है, होमोलॉगस, और देख लेते हैं हार्ट ऑफ ह्यूमन, ये होमोलॉगस, ये भी होमोलॉगस है, brain of bird, brain of human, ये भी homologous है, तो answer is one, जी। Next, select the process by which man has obtained many breeds of plants and animals in agriculture, horticulture, food and security, तो ये natural selection तो ही नहीं सकता, ये तो artificial selection है, artificial breeding से मिला है ना अपने को, जी, random breeding से कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये answer is artificial breeding, बिल्कुल। कनेक्टिंग लिंक है और उसमें अपने को मिसमैच में नॉन करेक्टली मैच देखना है ना, नियोप्लिना की अगर हम लोग बात करें तो ये कनेक्टिंग लिंक है एनेलिड और मोलस्क का, बिल्कुल सही है, पेरिपेटस लिंक है एनेलिड और ऑर्थोपोड्स, ये भी सही है, प्रोटोस्पोंजिया है पोरीफेरा और प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच, तो ये नाइडेरियन की वजह से गलत हो गया, काइमेरा बोनीफिश और आपका कार्टिलेजिनस फिश के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो ये थर्ड वन ऑड हो गया। When evolution of many similar species occurs starting from many points and literally coming to common area, ये वाला इस तरह का एक arrow, ये show करता है convergent evolution को, ये adaptive convergence है, तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, जी, second. Sometimes a newborn baby may have a small tail. Atavism है, अपने ancestor के characters को reappear करता है, क्योंकि वो gene नहीं निकलते, वो gene जीन अभी भी हाँ जीनोम में है इसलिए वो कैरेक्टर कभी भी अपीयर हो सकता है, एक्सप्रेस हो जाता है, एक्सप्रेस हो सकता है एक्सीडेंटली, तो एटमिस्टिक कैरेक्टर हो जाता है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे कुछ फोर लिम्ब की जो वो मैमल्स के रेस्पेक्ट में बोन दी हुई है, फॉर दीज मैमल्स द नंबर पोजीशन एंड शेप ऑफ बोन मस्ट लाइकली इंडिकेट दैट दे मे हैव
डेवलप इन ए कॉमन एनवायरनमेंट, नहीं ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए वर्क कर रही है, डेवलप फ्रॉम सेम अर्लियर स्पीसीज, और देख लेते आइडेंटिकल जेनेटिकल मेकअप एंड आइडेंटिकल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ये नहीं है, ये नहीं, ये भी नहीं है, सेम अर्लियर स्पीसीज और कॉमन एनवायरनमेंट में होगी नहीं, तो इसके अंदर आ गया डेवलप फ्रॉम सेम अर्लियर स्पीसीज, बिल्कुल, यानी कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर कॉमन. Which of the following is the reason for evolution of resistant varieties of pathogen and pest in lesser time period? ये तो इंसानी दखल से हुआ है, सीधा सीधा human intervention है, तब जाके ये process अपन देख पा रहे हैं. तो ये क्या है? Artificial selection, faster rate of mutation, anthropogenic activities नहीं basically जो उसका result. और ये NCERT में natural selection as a evidence जो है उसमें दिया है, उसमें industrial millennialism भी है, उसमें herbicide pesticide resistance जो हर pest वो भी है, और ये बैक्टीरिया भी है, और तीनों ही एंथ्रोपोजेनिक है. और इसमें एक बच्चे ये भी याद रख सकते हैं कि तीनों ही जो है वो डायरेक्शनल टाइप का नेचुरल सिलेक्शन शो करते हैं. एग्जैक्टली. सम एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ बर्ड्स डेवलप टूथ बर्ड है ना, और इट रिप्रेजेंट, ये अभी अभी अपन ने बात अभी बात की थी, ये बायोजेनिक लॉ ऑन्टोजेनिक रिकैप्चुलेट भी. आंसर इज बोथ 2 एंड 3. वही बात है साथ सर की एंसेस्टर के जीन अभी भी है जो कभी एक्सप्रेस हो जाता है, कभी भी एक्सप्रेस जी, उसी का रिजल्ट. वो प्रपोज दैट ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये साइंटिस्ट थे हेकल जी, हालांकि ये कांसेप्ट बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट हो गया. नेक्स्ट, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफ था, और अच्छा इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वर प्रोटोबायोंट, यूबायोंट, माइक्रोस्पियर, कोएसर्वेट. तो यहां अगर फर्स्ट लिविंग की बात करें अपन लोग तो यूबायोंट को मान लेते हैं, हालांकि वो ट्रूली लिविंग नहीं थे, लेकिन फिर भी इस इन ऑप्शंस में अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आता है तो उसमें अपन इनको मान लेते हैं, बाकी माइक्रोस एक्चुअल में नहीं. हां, बाकी ये दोनों इसी के अंदर आते हैं. बाद में बताया गया कि हो सकता है कि यूबायोंट जो वो तो न्यूक्लियोप्रोटीन है, और वही माइक्रोस्फीयर जिसमें ट्रू मेम्ब्रेन थी, ये दोनों आपस में मर्ज होकर के फर्स्ट सेल में इवोल्व हुए हो, इसलिए अपन यूबायोंट्स को कंसीडर कर लेते हैं. Which of the following combination of material was circulated in Miller's experiment? तो इसके अंदर जो substances थे, ये hydrogen और methane तो अकेली थी नहीं, hydrogen, methane, ammonia ये भी नहीं थे, amino acid नहीं, इसके अंदर basically amino acid भी नहीं थे, तो ये बचता है hydrogen, ammonia, methane and water vapor. Water vapor थे, वो दूसरे chamber से आ रही थी. Answer is 3. Which of the following is cannot be considered as a connotation theory of special creation, ये supernatural power की वजह से था. इसके according अर्थ 4000 साल पुरानी थी, ये भी सही है. Simple organism have evolved in complex form, नहीं जैसे शुरुआत में बने थे वैसे 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 आज भी, तो ये इसको अपन reject कर सकते हैं. All living organism were created as such, ये सही मानते हैं, आज भी ऐसे ही है. और diversity of earth was always the same from creation and it will be same in the future, ये इनका मानना था, तो गलत हो गया इसके अंदर, ये second option जी. The sequence of origin of life could be organic material, इससे inorganic material, ऐसा नहीं हुआ था, पहले inorganic material था, ये गलत है. Inorganic material, organic material, colloidal aggregate, eubiont, cell, ये ठीक लगता है. ये perfect है, और देख लेते हैं. Inorganic material, organic material, eubiont, cell, colloidal aggregate, ये last में दे दिया. आ ही नहीं सकते. Organic material, इन्होंने ये भी नहीं हो सकता, तो answer is second. Second. Next. Information molecule to get evolved first on the primitive earth was कि इनमें सबसे पहले कौन सा बना था, तो सबसे पहले ये बना था RNA, जो कि एंजाइम की तरह भी काम कर सकता था, और उसी वही बाद में DNA में चेंज हुआ, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में एस्टैब्लिश हो गया स्टेबिलिटी की वजह से जी. How can a person look back in the time? By observing a plant? नहीं, ये NCERT की लाइन से. By observing an animal, by looking stars, star, ये सही है. एनसीईआरटी लाइन है कि जब भी रात को आसमान में देखते हैं तो हम हमारे पास्ट में देखते हैं, क्योंकि स्टार हमसे काफी दूर है और उनसे जो लाइट चली थी उसको हम तक आने में बहुत टाइम लग गया है, तो हो सकता है आज जिस स्टार को हम लोग देख रहे हैं वो उस अपनी उस पोजीशन में हो ही ना, क्योंकि उस लाइट को चले हुए काफी टाइम हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि हम हमारे पास्ट में देख रहे हैं, तो थर्ड आंसर हो जाएगा. Huge clusters of galaxies comprising universe and each galaxy contains. जी जी. Each galaxy contains में stars, clouds of gases, dust and all of these सब चीजें आ जाती हैं. ये सब इसके अंदर आ जाती हैं. Answer is 4.
Which of the following was not condition of primitive earth to support the process of chemogenesis? तो एक तो ऑप्शन नहीं थी उस तरह. हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था वहाँ पे, ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर नहीं, ये साइनोबैक्टीरिया ये हो सकती है, ये वॉल्केनिक इरप्शन से था. तो आंसर हो जाएगा. अच्छा नॉट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है तो थर्ड आंसर हो जाएगा. Which of the following condition of primitive atmosphere was not simulated in the experiment of Miller? कौन सी चीज थी जो मिलर के एक्सपेरिमेंट में नहीं शो की थी या नहीं दर्शाई थी? तो हाई एटमोसफियर टेम्परेचर शो किया था क्योंकि 800 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया था उन्होंने. रेनफॉल एंड एवेपोरेशन फ्रॉम ओशन वाटर वेपर उन्होंने दी थी, बिल्कुल सही है. रिलीज ऑफ लावा फ्रॉम वॉल्केनोस ये नहीं किया था, इसका सिमुलेशन नहीं था. ऐसा कहीं नहीं था उस एक्सपेरिमेंट में कि कहीं ये निकलता बताया हो कहीं से लावा निकल और ये वो इलेक्ट्रोड से था, वो इलेक्ट्रोड से लाइटनिंग थी, स्पार्किंग थी. और उन्होंने जो था रेनफॉल उसको कंडेंसर से शो किया था. हाँ, है ना? हाँ. ये वाला नहीं था, ये तो कंडेंसर था ना, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन नहीं शो. ये थर्ड आंसर हो जाएगा. Which of the following structure cannot be considered as the rudimentary organ or in human, yani vestigial structure कौन सी नहीं है वो देखने अपने को. तो thymus नहीं है. Body hair के respect में देखें तो ये है क्योंकि ancestor में पूरी body पे थे पर हमारे अंदर कुछ part नहीं है. Ear पिन्ना की muscle होती है, nails नहीं होते हैं और nictitating membrane ये है और ये वाली नहीं है, ये वाली हो जाएगी. तो सर B E and F. F. इसमें पूछ क्या रहे, cannot भी पूछ रहे. तो cannot भी में तो फिर thymus हो जाएगा. A, C and D. C and third answer. The event which was mainly responsible for increasing the oxygen in the atmosphere was. तो oxygen का जो liberation हुआ था, origin of prokaryotes, use of water in photosynthesis. Water in photosynthesis जो था. Without कह रहा है ये. हाँ. क्या विदाउट ये पूछा कि कौन सा इवेंट रेस्पॉन्सिबल है तो इसके अंदर जो है यूज ऑफ वाटर यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये साइनोबैक्टीरिया नहीं है, ये साइनोबैक्टीरिया नहीं है. फोटोसिंथेसिस विदाउट यूज ऑफ वाटर तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये इसके अंदर सही आंसर होगा क्योंकि पहले जो यही हुआ था उन्होंने H2S को यूज किया था. हां सल्फर बैक्टीरिया किया था और फिर यूवी की वजह से उनमें मॉलिक्यूलर चेंजेस आए तो कुछ बैक्टीरिया जो थे उन्होंने H2S की जगह H2O को यूज किया, बैक्टीरिया को फिर इवॉल्व हुआ था. तो ये आंसर है इसके अंदर से, यूज ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, इससे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लिबरेशन हुआ और आज अपन उसी के बाद सारे चल रहे हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रोबेबली द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल ऑफ अर्थ. तो ये अभी भी पहले भी आया था आरएनए के लिए, ठीक हो गया. तो ये आज इवोल्यूशन के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स जो थे उनसे हो गए, जिसके अंदर अपन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और उसके बाद में थ्योरीज को भी लिया है और एविडेंस को भी हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है. नेक्स्ट टाइम अपन जो है इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे. ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू.